हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो कि आप लोग कहीं खोज के नहीं पाते हैं, और हम आपको मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और कुछ अन्य प्रमाणित तथ्यों के आधार पर बताएंगे, इसलिए इस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। जी हाँ, आपने अक्सर कई जगह देखा होगा और आपको काम लगा होगा कि भैया एक लीटर जो दूध है वो कितना किलो होता है, एक लीटर जो पेट्रोल है वो कितना किलो होता है, कितना ग्राम होता है, एक लीटर डीजल का वजन कितना होता है। क्या आप जानते हैं हर एक लिक्विड या फिर कहें तो हर एक पदार्थ की जो मात्रा है अपनी, वो अलग अलग इनका वजन होता है। जैसे एक लीटर दूध का वजन कुछ और होता है तो एक लीटर पेट्रोल का वजन कुछ और होता है, वहीं एक लीटर अगर हम बात करें डीजल का तो उसका वजन कुछ और होता है। तो इसलिए इनके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। दरअसल बात क्या है कि ये सब निर्भर करता है इनके घनत्व पर, इनकी डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो किस पदार्थ का घनत्व कितना होता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक लीटर दूध का वजन 1032 ग्राम होता है, मतलब एक किलो और 32 ग्राम अगर दूध कोई आपको देता है तो मतलब एक लीटर दूध हुआ, वो शुद्ध दूध, पानी मिलाया हुआ नहीं। पानी मिल जाएगा तो और हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की, उसके बाद पेट्रोल डीजल सबके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये दैनिक जागरण मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये न्यूज़ में पब्लिश हुई खबर है कि एक लीटर खाद्य तेल का वजन 910 ग्राम होता है। खाद्य तेल मतलब आप जानते हो सरसों का तेल वगैरह जो है, उसका अगर एक लीटर तेल है तो उसका वजन जो है वो मात्र 910 ग्राम होगा। समझने की कोशिश करना, ये नहीं कि भैया तेल लेने जाओगे एक लीटर वाला डिब्बा देगा तो उसको तौलोगे 1000 ग्राम नहीं होगा तो कहोगे निकाला है, निकाला नहीं है, वो 910 ग्राम होता ही है। जबकि वहीं एक लीटर अगर दूध की बात करें तो 1032 ग्राम इसका वजन होता है। तो यहाँ से आपको दो जानकारियाँ मिल गई, पहला नंबर कि खाद्य तेल का वजन एक लीटर का 910 ग्राम और दूध का 1032 ग्राम होता है। ऐसे में किलो दूध लेने वाले उपभोक्ताओं को जो फ़ायदा नुकसान होगा इसे बाद में समझना, चलो अगला देखिए। वहीं अगर बात करें आपका सर्वाधिक यूजफुल डीजल, तो देखो डीजल जो है इसका क्या हाल होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। डीजल का घनत्व के बारे में बात करें तो ऐसा पेट्रोल के तापमान तथा पेट्रोल के घनत्व के कारण होता है। सामान्य परिस्थिति में देखें तो 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक लीटर पेट्रोल का वजन ग्राम में लगभग 910 से 975 ग्राम होता है, यानी कि कहा जा सकता है कि एक लीटर पेट्रोल में 710 से 775 ग्राम होते हैं। तो ये पेट्रोल का ही जानकारी है। अब आप लोग कहोगे कि कुछ समझ में नहीं आया, देखो यार 775 ग्राम मान के चलो, क्योंकि 710 से लेकर के 775 ग्राम उसका वजन हो सकता है। ऐसा समझ लो कि अगर आप ठंडी के महीने में सुबह सुबह पेट्रोल भराने जाओगे ठंडी के महीने में, तो पेट्रोल का वजन आपका जो है वो 775 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 775 ग्राम। लेकिन अगर वही पेट्रोल आप भराओगे दोपहर में तो उसका वजन कम हो जाएगा, एक लीटर पेट्रोल का वजन जो है 710 ही ग्राम होगा दोपहर में, वो भी गर्मी के समय में भराओगे। क्यों? क्योंकि जब तापमान बढ़ता है, गर्मी खूब तेज़ बढ़ जाती है, तो ये पेट्रोल जो है ना ये पिघल एक प्रकार से बढ़ जाता है, इसका जो है वो कहो तो इसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो। लेकिन अगर आपको कहीं हिसाब किताब करना है तो आप 775 रख के लगभग में पूरा कंप्लीट मान निकाल सकते हैं, एक लीटर पेट्रोल में 775 ग्राम होता है। ठीक ना, ये आप देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इस तरह से। मैंने डीजल नहीं, यहाँ पेट्रोल सर्च किया था, बाद में डीजल आ गया। ठीक, वहीं अगर बात करें अगला, इसका जो छोटा भाई है डीजल, डीजल तो साथियों 15 डिग्री तापमान पर एक लीटर जो डीजल है वो कितना होता है, यहाँ पे आप देख लो 950 ग्राम के बीच होता है, 820 ग्राम से लेकर 950 ग्राम तक होता है एक लीटर डीजल का जो वजन है वो। उस समय के वहाँ के तापमान पर निर्भर करता है कि उस समय वहाँ का तापमान कैसा है, क्या है, ठंडी है कि गर्मी है, खूब ज़्यादा गर्मी है कि खूब ठंडी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन चलता इसी के बीच में है। तो आप कहीं अगर हिसाब किताब कर रहे हो तो अधिकतम मान रख करके आप निकाल सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, अधिकतम जो होता है भाई, न्यूनतम तो ये ठंडी वगैरह में ज़्यादा ठंडी बढ़ने से हो सकता है, लेकिन जो अधिकतम होता है 950 ग्राम उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपको पेट्रोल या डीजल लेना है टंकी से तो आप ठंडी महीने में सुबह सुबह पेट्रोल या डीजल भरा के लाइए तो आपका फ़ायदा होगा, लेकिन वहीं अगर आप पेट्रोल या डीजल लेने दोपहर में जाते हैं, धूप में जाते हैं, खूब गर्मी में, तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि उस समय आपको तेल कम मिलेगा लेकिन मात्रा पूरा हो जाएगी। देखो, पेट्रोल डीजल का खेल कई तरह से किया जाता है। पेट्रोल डीजल ये 90% पेट्रोल पंपों पर डेंसिटी शून्य कर दी जाती है, जिससे कि उन लोगों को फ़ायदा होता है और ग्राहक को नुकसान होता है।
इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अगला वीडियो देखिएगा, देखिए जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा, आपको ऐसे इंटरेस्टेड और वीडियो मिलते रहेंगे और लाइव क्लास भी मिलती रहेंगी। जय हिंद साथियों, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए।